दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। अदानी की जांच क्यों नहीं करता ईडी, कोर्ट में बोले आप सांसद संजय सिंह। सामने आया हमास के पूर्व चीफ खालिद मशाल का वीडियो, मुस्लिम देशों से कर रहा है ये अपील। जाति गिनने के बाद नीतीश कुमार ने दिया प्रमोशन के आरक्षण के अंदर कोटा, जाने आज के 8 फैसले। महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने की सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी, कहा मुझे जान से मार दे या जेल भेज दे, अपने बाप की औलाद है तो। सीएम योगी का आदेश, सेवानिवृत्त शिक्षकों को दे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, मिलेगा फिक्स मानदेय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा कर ली है। झारखंड रिटायर्ड आर्मी जवान ने राजधानी एक्सप्रेस में की फायरिंग, कोडरमा पहुंचने पर हुआ गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव, कांग्रेस बीजेपी में वापसी की जद्दोजहद, छत्तीसगढ़ मिजोरम में आज से नामांकन। छत्तीसगढ़ चुनाव, आपने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची, जाने किसे कहां से मिला टिकट। छत्तीसगढ़ के 24 भाजपा नेताओं की सुरक्षा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में ईडी, आईटी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों की दुरुपयोग का षड्यंत्र कर रही है। 24 नेताओं की सुरक्षा भी भाजपाई षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। ईडी के माध्यम से झूठी कार्यवाहियां कर राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गयी।